एक बाल वो होता है जो बिल्कुल वेस्ट बाल होता है, जो घर में महिलाएं कंघा करती हैं, वॉश करती हैं सर को, और उसके बाद में फेंक देती हैं, वेस्टेज कूड़ा कचरे में चला जाता है। उस कूड़े कचरे से लोग उस बाल को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद में हम उन लोगों से परचेस करते हैं। उन लोगों से परचेस करने के बाद में जितने स्टेप होते हैं उसको खोल के, उसको खोलते हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, उसको फिर दोबारा से हम कचरे को लेके बाहर कंट्री के क्लाइंट के सर तक पहुँचाते हैं। हमारी इंडिया के का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी इंडियन बालों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हर कंट्रीज़ में। कोई भी कंट्रीज़ हो, यूएसए की हो, पुर्तगाल हो, रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी कंट्रीज हो या अफ्रीका हो, उसमें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। हमारी इंडिया में काले बाल को पसंद करते हैं, हम उनके लिए काले बाल बनाते हैं। तो हम इंडियन वाइज कंट्रीज वाइज प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसको सेल करते हैं। चाइना का और कुछ कोरिया का माल मार्केट में आने लगा सन 2009 में। वो माल उस हमारे माल के अकॉर्डिंग, हमारी वीक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता था, कंफर्टेबल होता था। तो उसकी उसमें जाली लगी हुई थी, उसमें एयर और पानी अच्छे से पास होता था, तो लोगों ने उसको लाइक करना शुरू कर दिया। अब उसके आने के बाद में हमारा माल जो मार्केट था, जो हमने मेहनत करी थी शुरू से, वो हमारे धीरे धीरे डाउन होती गई। अब हम बिल्कुल डाउन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर एक अब मार्केट हमारी बन चुकी थी, लोग मुझे जान चुके थे कि इस काम के बारे में कि हमें काम करता हूँ। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो लेस वगैरह यूज़ होती थी सारी चाइना और कोरियर होती थी, लेकिन हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं था कि जो हम वहाँ से कुछ मंगा सके, क्योंकि हमारे हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे उस टाइम पर। तो हमने मच्छरदानी की कुछ अच्छी क्वालिटी की नेट अरेंज करी अपने यहाँ पर दिल्ली से और उसमें नोटिंग शुरू की। सरकार ने एक स्कीम चलाई थी मुद्रा लोन, उनकी मुद्रा लोन से हमें फ़ायदा मिला और हमें काफ़ी हेल्प मिली उसको अपने काम को आसानी से आगे बढ़ाने की। तो अब जो मटेरियल है, जो अब जैसे मैंने बताया लेस है, लेस इंपोर्टेड चाहिए, लेस हमारी इंडिया में मिलती नहीं है। जो केमिकल्स होते हैं विग बनाने में यूज़ होते हैं, वो केमिकल हमारे इंडिया में नहीं मिलते। यहाँ तक कि जो नीडल यूज़ करते हैं, जिससे हम नोटिंग करते हैं, वो भी कुछ नीडल्स हम इंडिया में मिलती हैं, कुछ हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी ही पड़ती हैं। तो हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। अभी हम चल रहे हैं, अगर हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए सरकार की तो हम भाग सकते हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हमारा साल का होता है। लगभग 1000 प्लस लोगों के साथ काम करते हैं, जिसमें 98% महिलाएं काम करती हैं। और आज इतनी महिलाओं को काम देके बहुत अच्छा फील होता है। मैंने वो वक्त देखा है जब आदमी को काम की कितनी तलाश होती थी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास एक भी काम करने वाला पैसे के लिए परेशान हो। मैं उनको टाइम पे ही पैसा देने की कोशिश करता हूँ। काम के साथ साथ मैं अपने भी कुछ आगे थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ, जो मेरे सपने हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। पापा हमारे इतना कर नहीं पा रहे थे, जो हम उन्हें थोड़ा सहारा भी लगा रहे हैं और अपना पढ़ाई का भी कर रहे हैं। मेरे घर पे परेशानी भी थी, मेरे शौहर सैलून का काम करते हैं और उसमें मतलब खर्च नहीं हो पाता था, तो इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये काम करती हूँ।